हेलो फ्रेंड्स, मु दीपा आपनकु बनाली चैनल ले स्वागत करूछि। फ्रेंड्स, माता लक्ष्मी भूल रे भी एपरी घर को जानती नाही। आपण जहाँ भी करंतु ना काहिंकि एपरी घर को माता लक्ष्मी केबे भी जानती नाही। घरर सुख समृद्धि अधिक मात्रा रे घरर स्त्री लोकंक उपरे निर्भर करिथाए। सेथिपाई किछि एपरी काम रहिछि जहाँ को महिला माननकु करिबा उचित नुह। कारण एपरी करिबा द्वारा घर को माता लक्ष्मी केबे भी आसी नथांती। माता लक्ष्मी एपरी लोकंक घर उपरे सबुबेले क्रोधित रही थांती। फ्रेंड्स, सही भली धार्मिक कथा जानिबा पाई आम चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु। तबे चालंतु जानिबा सही विषय रे। नंबर 1, जेउ महिला सबुबेले बासनारे डुबी रही थांती, सबुबेले अन्य लोकर चुगुली करी थांती, सेठारे धनहानि निश्चय घटी थाए, परिवार रे दुख आसी थाए। गरुड़ पुराण अनुसार एपरी मनुष्य सबु प्रकार सुख धन दौलत रु वंचित रही थाए। माता लक्ष्मी एपरी घर ठारु दूरे रही थांती। नंबर 2, जेऊ घरर महिला माने झाड़ू रे पाद लगाई थांती किंबा झाड़ू को पाद रे लात मारी थांती, सही भली घरे केबे भी लक्ष्मी बास करी न थांती। एपरी घर जीवन सारा गरीब रही थाए। एपरी माना जाए कि झाड़ू रे देवी लक्ष्मी बास करंती। नंबर 3, घरर महिला जदि राति रे ओइठा बासन रखी सोई जाउछंती तेबे एपरी घर को माता लक्ष्मी केबे भी आसंती नाही। एहा गरीबी और दुखर कारण होइथाए। कारण एपरी ओइठा बासन अभिशाप देई थांती। सेथिपाई राति रे चूल्हा उपरे और रोसेई घरे ओइठा बासन रखी सुअंतु नाही। नंबर 4, जेऊ घरर लोक माने पादरे घरर द्वार खोलंती सेठारु घरर लक्ष्मी रागी घरु पळाई थांती। सेथिपाई जदि आपणक घरे एपरी हेउथाए तेबे एहाकु तुरंत बंद करि दियंतु। नंबर 5, जदि आपण घरर मुख्य द्वार बा बंध उपरे बसी भोजन करुछंती तेबे से घर बर्बाद होई जाई थाए। हिंदू शास्त्र रे एहाकु बहुत अशुभ बोली माना जाई थाए। फ्रेंड्स, अति कम रे सप्ताह रे थरे लुण मिसा पानी रे घर पोछिबा उचित। एपरी करिबा बहुत शुभ होई थाए। एपरी करिबा द्वारा माता लक्ष्मी को कृपा सबुबेले बनी रही थाए। फ्रेंड्स, आउ गोटिए गुरुत्वपूर्ण कथा हैला जेउ महिला संध्या परे ओ राती रे घर झाड़ू करी थांती सेही घर को कांगाली गरीबी अवश्य आसी थाए। सेथिपाई एही खराब अभ्यास को छाड़ी दियंतु। फ्रेंड्स, एही सबु कथार विशेष ध्यान दियंतु। आशा करछु फ्रेंड्स वीडियो आपनकु पसंद आसतिबो। पसंद आसतिले लाइक आउ शेयर करंतु, आउ मध्ये हमर चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु। धन्यवाद।